इस बीच भूकंप के तेज झटकों से चीन का सिचुआन प्रांत हिल गया। एक दिन पहले आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई, जिसमें 46 लोगों की जान गंवाने की खबर भी सामने आई। क्योंकि चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने सिचुआन प्रांत में रहने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। सामने आई तस्वीरों में भूकंप के झटकों से सड़क पर लगे पेड़ ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का पुल्का खिलौना। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए। भूकंप की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई मकानों की छतें उसके आगे टिक नहीं पाईं और भरभराकर सड़क पर गिर गईं, जिसके बाद इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। लेकिन इन हालात में लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि हर तरफ भूकंप के कारण खतरा मंडरा रहा था। वहां के पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ों का मलबा आकर सड़क पर गिर गया और कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए और लोग बीच रास्ते में फंस गए, जो जहां था उसके लिए वहीं खड़े। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रहना मजबूरी हो गया, ऐसे में उन लोगों को अपने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आने लगी। भूकंप से कुछ मकान तो सड़क के अंदर ही धंस गए। इन हालात में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के शवों को रेस्क्यू टीम ने नदी नालों के अंदर से निकाला। और कुदरत की इस मार से जिन लोगों की जान बच गई उनके जख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इन हालात में वहां के प्रशासन की टीम भी फौरन एक्शन मोड में आ गई और रेस्क्यू टीम के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन की टीम को तुरंत भूकंप से प्रभावित जगहों के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि इस काम में फायर विभाग के करीब 1100 कर्मचारियों की मदद ली गई, साथ ही 50 लोगों की रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन की टीम के करीब 100 कर्मचारियों को लोगों की मदद के लिए रवाना किया गया। इन सब के अलावा भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए हजारों टेंट लगाए गए, जहां उनके लिए कंबल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, एक हेलीकॉप्टर को भी राहत बचाव के काम में लगाया गया।